मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आप सबका। आज हम बात करेंगे कि क्लर्क जो है FPL 2 से 6 में जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते या जा सकते हैं। तो क्लर्क जा सकते हैं FPL 2 से 6 में, इस सरकार के इस पत्र द्वारा हम जानेंगे। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा ही ये पत्र जारी है, जिसमें चार स्टेप आगे बढ़ाया गया है, वो हम सारी जानकारी इस पत्र को पढ़कर ही रहेंगे। आपके बिल्कुल सबूत सामने होगा, ये देख लीजिए, वित्त विभाग का ये पत्र है, हरियाणा सरकार वित्त विभाग, और ये तारीख भी देखिए इसी सरकार का है, 2 अगस्त 2022, बीजेपी जेजेपी सरकार का ही जारी है। जो आज सरकार कह रही है कि क्लर्क को हम एक साथ चार स्टेप आगे कैसे ले जाएं, सेकंड से वो थर्ड में जा सकते हैं, ये बात कर रही है। लेकिन इसका अभी आप सबूत देख सकते हो कि इस सरकार ने खुद ही चार स्टेप आगे बढ़ाया है। ये पत्र आप देख सकते हो, अभी आपके सामने होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को सभी को फॉरवर्ड कर दें, हो सके तो अदर स्टेट को भी फॉरवर्ड करें, ताकि अदर स्टेट वाले भी बता सकें कि वहाँ भी इस तरह इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेवल चार स्टेप तक बढ़ाया जा सकता है, लेवल FPL 2 से 6 में जाया जा सकता है। अभी आपने राजस्थान सरकार का भी देखा है, उन्होंने भी बढ़ाया है, उनका भी पत्र हमें मिलेगा। प्लीज़ ये यदि ये वीडियो आप राजस्थान में शेयर कर दें, और हमें वो अधिकारी पत्र जो सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है, वो भी हमें मिल सकता है। यदि ये PDF आप शेयर कर देंगे राजस्थान में, तो वहाँ से भी हमें वो पत्र मिल जाएगा, और उस पर भी मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हम बात करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी थी जिसका चार स्टेप बढ़ाया गया, आप खुद पढ़ सकते हो। वेयर एज पे स्केल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर रिवाइज एज 7 CPC वाइड हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ये 2016 डेटेड 28/10/2016 में जो जारी किया गया था, ये उस नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाया है। द मैटर हैज़ बीन फर्दर कंसिडर बाय द गवर्नमेंट एट लेंथ आफ्टर केयरफुली कंसिडर, कहता इस विषय पर सरकार ने पूरी कंसिडर करने के बाद गवर्नमेंट है डिसाइडेड, सरकार ने निर्णय लिया है कि टू मॉडिफाई द पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कि इन श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन को मॉडिफाई करने का निर्णय लिया है सरकार ने। अकॉर्डिंग इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर विस्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल 17 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 एंड ऑल अदर पावर इम्प्लिंग ऑफ द गवर्नमेंट सो टू डू, यानी कि सरकार के पास ये शक्तियाँ हैं कि वो जो सर्विस रूल 2016 में है उसमें संशोधन कर सकती है। द पे स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज हेयर बाय रिवाइज्ड, और ये इसने क्लियर कट लिखा है, पे स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, इस कैटेगरी का जो गवर्नमेंट की कैटेगरी इसमें रिवाइज किया गया है, मॉडिफाई किया गया है प्रोस्पेक्टली एज अंडर, कौन सी कैटेगरी है इन्होंने नीचे दिया है टेबल में। फर्स्ट एक ही है, एक ही कैटेगरी का बढ़ाया है, वो आप खुद देख सकते हो। आप यहाँ देखिए प्रोजेक्टर ऑफिसर का बढ़ाया है, और कौन सी FPL 7 है ये देखिए, खुद देख लीजिए, 44,900 था FPL 7 का, और मॉडिफाई आप देख सकते हो किया गया है किस में, मॉडिफाई आप खुद देख लीजिए कितना किया गया है, 11 कैटेगरी FPL 11 में ले गए हैं, और 67,700 देख लीजिए कितना इंक्रीज कर रखा है, खुद मॉडिफाई कर रखा है। और नीचे इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, द पे ऑफ दिस कैटेगरी एम्प्लॉय विल बी फिक्स्ड अंडर द नॉर्मल रूल, द कंसिडर डिपार्टमेंट इज एडवाइज टू अमेंड द डिपार्टमेंट सर्विस रूल अकॉर्डिंगली, भी इसके अकॉर्डिंग चेंज करें। तो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप खुद देख सकते हो, डेट भी जारी है 2/8/2022 का है, यानी एक साल हो गया लगभग, एक साल पहले सरकार ने इस कैटेगरी का बढ़ाया है प्रोजेक्टर ऑफिसर का। तो वो कैसे बढ़ा, तो अब क्यों नहीं बढ़ सकता, अब सरकार के पास क्या कम हो गया है राजस्व, तो इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, आप देख सकते हैं फटाफट। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग आदेश क्रमांक ये दिनांक
चंडीगढ़ 2 अगस्त 2022 का है। विषय इन्होंने वही लिखा है, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के वेतन संरचना में सुधार करना। हाँ जी वही मैटर है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन को हरियाणा सरकार की अधिसूचना नंबर ये दिनांक ये 70 CP के अनुसार संशोधित किया गया था। दिनांक आपको बता देते हैं, यहाँ रह गई है वो, आपने ऊपर इंग्लिश में जो था वो था 2016 का 10वें महीने की डेट थी, ये आप देख सकते हो, ये खुद देख लीजिए 28/10/2016 है। तो 28/10/2016 के अनुसार संशोधित किया गया। इस मामले में सरकार द्वारा विस्तार से विचार किया गया है कि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार की कुछ श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन करने का निर्णय लिया है। तदनुसार हरियाणा सिविल सेवा संशोधित नियम 2016 के नियम 17 के प्रावधान के तहत निहित शक्ति और सरकार को ऐसा करने में सक्षम है। देखिए सरकार खुद सक्षम है, जो कह रही है कि हम 4 स्टेप नहीं बढ़ सकते तो यहाँ कैसे सक्षम हो गई। अन्य ये वर्ड खुद लिखा है सरकार ने, सक्षम है। अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना को संशोधित किया जाता है। ये खुद देख लीजिए, इन्होंने संशोधित किया है, इसको संशोधित किया गया है। विभाग परियोजना अधिकारी, ये देख लीजिए जिसकी बात कर रहे थे, विभाग परियोजना अधिकारी को किया गया, ये खुद देख लीजिए, एपीएल 7 यानी जो 44,900 है उसको एपीएल 11 में लेके गए हैं 67,700 में। देख लीजिए कितना वेतन वृद्धि की गई है। तो क्लर्क का क्यों नहीं हो सकता, क्लर्क को भी संशोधित किया जा सकता है, उसको भी एपीएल 2 जो उसका हक बनता है, जो कई सालों से रखा हुआ है सरकार ने उसका हक, यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि विद एरियर देना चाहिए, नहीं तो एरियर नहीं तो विदाउट एरियर तो दे देना चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के सरकार को। और यदि ये सुनने में आया है कि हमारे सीएम जो है बड़े इमोशनल हुए हैं उस मीटिंग में, तो इमोशनल हुए थे तो उसी समय फैसला कर देना चाहिए था, क्योंकि ये उनका हक है, हक मांग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती सरकार, सरकार के पास ऐसे बहुत से संसाधन हैं जिससे वो पूरा कर सकती है। संशोधित वेतन संरचना भावी आधार पर लागू होगी, संरचना जन संरचना एवं भाषा विभाग की इन श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन सामान्य नियमों के तहत तय किया गया है। तो आप खुद देख लीजिए, इन्होंने इंस्ट्रक्शन क्लियर कट दी थी, संबंधित विभाग को विभागीय संशोधन करने की सलाह दी जाती है। तो आप खुद देख लीजिए, अब आपके सामने था ये लेटर, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास, और ये वीडियो पूरी की पूरी सभी देखें और शेयर कर दीजिए। कुछ और बात भी हम यहाँ करेंगे, तो ये आपने पहले भी बैनर देखा हुआ है। तो यदि अदर स्टेट की बात करती है, पहली बात तो सरकार को अदर स्टेट की बात करनी नहीं चाहिए, जब इसी सरकार ने पहले भी बोला था कि यदि आपने राजस्थान के समान हमने वेतन मांग की थी तब बोला था कि आप सॉरी पंजाब के समान वेतन मांग की तो बोला था कि आप पंजाब में जाकर नौकरी कर लीजिए, तो आप अदर स्टेट से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। यदि अदर स्टेट से भी कंपैरिजन करते हैं तो पूरी बात बोलनी चाहिए, और पूरी बात में आप खुद देख सकते हो कि हम लिजिबल हैं हरियाणा में 35,400 लेने के लिए, और वो भी हमारा हक है, हम लेकर छोड़ेंगे। तो आप खुद देख लीजिए, क्लर्क का हरियाणा में 19,900 है, और अदर स्टेट में आप खुद देख लीजिए, आपके सामने है पंजाब का भी है आपके सामने, न्यू दिल्ली का भी है, और हिमाचल प्रदेश का जो बोल रहे हैं वो भी देख लीजिए, 2 साल बाद जो है 30,500 है, खुद देख लीजिए आप, यहाँ खुद देख सकते हो कि 2 साल बाद जो है 30,500 है हिमाचल प्रदेश में हमारा, और राजस्थान में अभी बड़ा है, आप खुद देख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन भी आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी इस वीडियो को देखें, और जो बात हम लेकर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे वो आपके सामने है कि हमारा शोषण जो है 1986 से होता आ रहा है, 1957 में हम जब इनके बराबर थे बाकी कैटेगरी के, तो हमें पीछे क्यों छोड़ दिया गया। बहुत सी वीडियो के माध्यम से मैंने ये पहले भी शेयर किया है और अब भी शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे
रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जितना भी कर सको अदर स्टेट्स के कैंडिडेट को भी करें, ताकि वो भी हमें सपोर्ट कर पाएँ कि हम एलिजिबल हैं, और बाकी की जो अदर कैटेगरी की कह रहे हैं कि क्लर्क क्यों एलिजिबल है, तो ये एलिजिबल का ये रीज़न है, आप खुद देख सकते हो। और एक पत्र मैंने आपको पहले भी शो किया था, दो 2015 के अंदर सरकार ने खुद उसको मान लिया था और 35,400 का पे ग्रेड हमें उस टाइम दे दिया था 2015 में ही। तो अब लागू करने में उसको क्या दिक्कत है? तो प्लीज़ सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसको जारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।